अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ के कंपोनेंट एडिटर के अपेयरेंस टैब को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लेआउट टैब को स्टडी करेंगे और उसमें हमारे पास लेआउट टाइप्स विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, कोलैप्स ऑन हाइट और भी काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। लेआउट टाइप्स को आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में उसको फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। और चार जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फिक्स्ड, अलाइन टू पेरेंट, रो और कॉलम, उनको आने वाली वीडियोस में डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे। ये पॉइंट्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूँगा और दोनों टैब्स यहाँ पे ओपन है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चीज़ को ख़त्म किया था। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये मुझसे प्लान अपग्रेड के मतलब पूछता है। आपसे भी अगर पूछे, क्योंकि ये फ्री प्लान पे है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको इग्नोर कर दें और जो मॉडल आए उसको क्लोज कर दें, या फिर जो बटन है दूसरा, ये स्टार्ट वाला, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को डिलीट करके एक दफ़ा हायरार्की को फिर रीसेट कर लूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट ट्री में मेरे पास फिर एक दफ़ा इंडेक्स पेज के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं। मैं यहाँ पर अब एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके ड्रैग कर कर जितनी मैंने हाइट सेट करनी है उतनी हाइट सेट करके उसे रिलीज करूँगा कर्सर कर, तो विड्थ वो फुल ले लेगा। वो लेआउट की वजह से होता है और वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्यों इसने विड्थ इतनी क्यों ली है, और बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जितना मैंने ड्रैग किया था वो कहाँ पे सेट हुआ और बाकी सारे ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं लेआउट टैब से। अपेयरेंस टैब को हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो का एजेंडा है लेआउट टैब, और लेआउट टैब में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। इस ऑप्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैं अपीयरेंस टैब में आके यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैं वापस आ जाऊंगा लेआउट टैब में और यहाँ पर मैं क्लिक करके इस कंपोनेंट का नाम भी चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट वन इसका नाम रख दूंगा। हम बाद में कंपोनेंट्स को मीनिंगफुल नेम दिया करेंगे हमेशा और उसको एक हैबिट बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है और मैं यहाँ पे इसको नाम अगर देने के लिए ये कह सकता हूँ जायंस वेबसाइट लिंक टेक्स्ट एलिमेंट, ये एक मीनिंगफुल नेम हो सकता है, लेकिन नेम्स को अभी शॉर्ट रखने के लिए मैंने टेक्स्ट वन चूज किया था। अभी इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं और इस ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ऑप्शन क्या है और इससे क्या इफेक्ट होता है। मैं यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और नो डाउट यहाँ तक आपको चीज़ पहले ही समझ आ चुकी हुई है कि जो एलिमेंट हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं जब हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो वो एलिमेंट हमें यूआई में फ्रंट एंड पर नजर आता है। ये ऑप्शन इस चीज को चेंज कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड, इसका मतलब ये है, और ये चेक है, अभी ये ट्रू है, इसका मतलब ये है कि जब पेज लोड होता है तो ये एलिमेंट विजिबल स्टेट में होता है, यूजर को नजर आ रहा होता है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, और एक और चीज इसको अनचेक करने से पहले, यहाँ पर आप देखें कि इसका आइको आइकॉन और टेक्स आइकॉन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट एडिटर है वो हाइड होता है, एलिमेंट अपनी जगह पे रहता है। मैं इस पर फिर क्लिक करूंगा, कंपोनेंट एडिटर फिर आ जाएगा। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये पेज लोड पर विजिबल नहीं होगा, आप बेसिकली इसको जो एलिमेंट ट्री है उसमें बेसिकली उसके थ्रू एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एलिमेंट पे अब दोबारा क्लिक करूंगा, जिसकी वजह से कि वो कंपोनेंट एडिटर क्लोज हुआ है, लेकिन क्योंकि ये विजिबल नहीं था, ये इनविजिबल एलिमेंट है, अब इस वजह से ये मुझे यहाँ पर यूआई में नजर भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूं, ये जो इसका आई का आइकॉन है ये बेसिकली क्रॉस हो गया है, और मैंने इस पे क्लिक नहीं था किया। मैं एक दफा फिर करके दिखा देता हूं,
मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आई का आइकॉन ऑटोमेटिकली बेसिकली एनेबल होता है, और जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं किसी और एलिमेंट पे क्लिक करूँ फिर ये डिसेबल नहीं होता, मैं इस पे क्लिक करूँ और फिर एक दफा इस पे क्लिक करूँ फिर ये डिसेबल होता है, लेकिन कोई दूसरे एलिमेंट के साथ ये वाला काम नहीं होगा। मैं यहाँ से बटन को एक चूज करता हूँ, वापस आ जाता हूँ अपने नॉर्मल स्क्रीन साइज पे, और यहाँ पर एक बटन को इंसर्ट करता हूँ, बटन ए ही इसको रहने देंगे अभी के लिए, और इसको कह देंगे गो टू जायोन्स, और इससे मैं अनेबल ही रहने दूंगा। अगर मैं इस एलिमेंट पे बेसिकली क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ जैसे भी, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली शो या हाइड नहीं हो रहा, और ये एलिमेंट इसका जो आई आइकॉन है वो भी चेंज नहीं होता। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये आई का जो आइकॉन है वो अनेबल डिसेबल नहीं हो रहा, ये एलिमेंट, जबकि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और वापस से क्लिक करता हूँ तो ये अनेबल और डिसेबल हो जाता है। ये बेसिकली एक रीजन है इस ऑप्शन का जिसको मैंने अनचेक कर दिया। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि जब मैं अब इसे प्रीव्यू करूंगा तो मुझे बटन शो होगा और वो टेक्स्ट शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब पेज लोड हो तब इस एलिमेंट को शो नहीं करना। तो ये आपके पास ऑप्शन है, बेसिकली ये काफी यूजफुल हो सकता है काफी सिनेरियोज में, जहां पे हम कुछ एलिमेंट्स एक ही पेज पे, अगर हमने एसपीए इसमें बनानी है, सिंगल पेज ऐप जिसको के कहते हैं, बबल डॉट आईओ में सिंगल पेज ऐप बनानी है, तो हम उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, काफी ज्यादा सेक्शन, सारी चीजें हम इस एक पेज में ही बना देंगे, और उसके बाद जो इंडिविजुअल पेजेस होंगे उनको हाइड करते जाएंगे, और बाद में एक्शंस के थ्रू, वर्क फ्लोज के थ्रू सेक्शंस को शो और हाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन वहां पे काम आएगा। बाकी इसके मुताबिक हम कोर्स में बार बार देखेंगे, अभी के लिए आसान अल्फाज में अगर आप किसी भी एलिमेंट के इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो वो आपको यूआई में नजर नहीं आएगा, इसलिए अभी के लिए आप सभी एलिमेंट्स के ये जो विजिबल ऑन पेज लोड इस चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे, ताकि वो एलिमेंट आपको यूआई में नजर आए और आपको एरर्स ना आए और आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले कि आपने एक एलिमेंट यहाँ पे कंपोनेंट एडिटर में आपको नजर आ रहा है लेकिन जब आप उसको प्रीव्यू करते हैं तो वो नजर नहीं आ रहा, तो उसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होंगे कि आपसे गलती से ये अनचेक हो गया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोलैप्स व्हेन हिडन। कोलैप्स व्हेन हिडन ये ऑप्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। इसको स्टडी करने के लिए मैं सबसे पहले जो पेरेंट की कंटेनर टाइप है, जो लेआउट टाइप है, उसको चेंज करूंगा, और ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस पे बाद में और भी वीडियोस आएंगी 2 से 3 और उसमें हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे, अभी के लिए इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये इसके पेरेंट को सिलेक्ट करेगा, और क्योंकि अभी पेरेंट जो है वो पेज है, यहाँ पे हम चाहें तो पेज के कंटेनर लेआउट को चेंज कर सकते हैं या फिर एक कंटेनर ग्रुप को ऐड करके इन दोनों एलिमेंट्स को उसमें मूव करने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। मैं क्योंकि पेज के जो कंटेनर लेआउट है उसको चेंज नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और एक ग्रुप इंसर्ट कर दूंगा। ग्रुप इंसर्ट होगा, यहां से मैं दोनों एलिमेंट्स को पकड़ के इस ग्रुप में मूव कर दूंगा। दोनों एलिमेंट्स ग्रुप में मूव हो गए हैं, अब मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा और इसकी जो कंटेनर लेआउट है वो ऑलरेडी कॉलम पे सेट है, और यही मैंने सेट करनी थी। मैं वापस आऊंगा इस टेक्स्ट एलिमेंट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलैप्स व्हेन हिडन ये ऑप्शन अभी अनचेक है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और इसके अपीयरेंस टैब में आने के बाद एक वर्क फ्लो ऐड करूंगा। मैं यहाँ पर जो वर्क फ्लो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करे, ये एलिमेंट अगर शो हो रहा है तो ये हाइड हो जाए, और अगर ये हाइड है तो ये शो हो जाए, ये स्टेट मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ऐड वर्क फ्लो के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड एक्शन। वंस अगेन हमारे पास वर्क फ्लोज के भी आगे काफी लेक्चर्स आएंगे, तो ये चीजें भी आपको फुली क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं एलिमेंट एक्शंस पे आऊंगा और टूगल पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टेट को ऑन और ऑफ में चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और दैट्स इट, ये इतना ही था। वापिस आ जाऊंगा और प्रीव्यू करूंगा अगेन। अभी मैंने इस टेक्स्ट के लेआउट में इस ऑप्शन को चेक नहीं किया, मैंने प्रीव्यू किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि वो एलिमेंट हाइड हो गया, लेकिन ये एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से वो एलिमेंट
हाइड हो गया तो इस एलिमेंट को चाहिए था ये ऊपर आ जाता। अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास पहले ही डिजायर जनरल है, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि जब वो एलिमेंट हाइड हो ये बटन ऊपर शिफ्ट कर जाए, और जब वो एलिमेंट शो हो तो ये बटन वापिस अपनी जगह पे शिफ्ट कर जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, वो टूगल कर रहा है अपनी स्टेट को। इस स्टेट को अचीव करने के लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे और फिर एक दफा प्रीव्यू करेंगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम करना था कि जब ये एलिमेंट हाइड हो तो ये अपनी जितनी भी डॉम में विड्थ ले रहा है वो विड्थ ना ले, ये कोलैप्स कर दे, या ये एलिमेंट डॉम में से निकल जाए, और जब रीइंसर्ट हो तो फिर अपनी जितनी जगह इसको चाहिए उतनी जगह ले ले और बाकी एलिमेंट्स एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आते हैं, मैंने क्योंकि इस पे क्लिक किया था ये पेज रिफ्रेश हो गया है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं वो एलिमेंट इस दफा हाइड हुआ है और वो कोलैप्स भी हो गया, मतलब डॉम से निकल गया है और ये एलिमेंट उसकी जगह पे चला गया। मैं क्लिक करूंगा वो वापस आया और ये एलिमेंट वापस शिफ्ट करके नीचे आ गया। ये हमारे पास ऑप्शन है कोलैप्स व्हेन हिडन का। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे पेरेंट कंटेनर टाइप। पेरेंट कंटेनर टाइप का ये जो ऑप्शन है, बेसिकली आप जिस भी एलिमेंट पे होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट, कोई भी अगर एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे एक्सेप्ट फॉर द पेज इटसेल्फ, जो पेज है उसका कोई पेरेंट नहीं है, वो टॉप मोस्ट पेरेंट है और हर एक बेसिकली पेज में पेज का एलिमेंट होगा ही। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे यहाँ से मैनुअली खुद ऐड करेंगे, पेज ऑटोमेटिकली ऐड होता है। बाद में जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे, हर एक एलिमेंट का कम से कम एक पेरेंट जरूर होगा। जैसे कि अगर मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पेरेंट कंटेनर टाइप है वो अवेलेबल है ऑप्शन। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप काइंडली इस एलिमेंट ट्री पे फोकस करिएगा, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया है तो ये पेज को इसने सिलेक्ट कर दिया, मीन उसने इस ग्रुप के पेरेंट को सिलेक्ट कर दिया और उसमें उसकी कंटेनर लेआउट तक आ गया कि ये कंटेनर लेआउट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर लेआउट रो पे सेट है, और अगर मैं ग्रुप ए पे वापस आता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पेरेंट कंटेनर टाइप रो ही यहाँ पे डिफाइन की गई है। मैं अगर यहाँ पर बटन में आता हूँ, और उससे पहले मैं अगर आपको ग्रुप ए में दिखा देता हूँ कि ग्रुप ए में जो कंटेनर टाइप है वो कॉलम है और ये टेक्स्ट और बटन ग्रुप ए के चाइल्ड है। मैं अगर इनमें से किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट कंटेनर टाइप जो है वो कॉलम है। इसका मतलब ये जो पेरेंट कंटेनर टाइप है, ये जो भी पेरेंट है, अगर कोई पेरेंट है और यहाँ पे मैं जितने मर्जी ग्रुप्स ऐड करके उनको, इन दो एलिमेंट्स को या किसी भी एक एलिमेंट को उन ग्रुप्स में शिफ्ट कर सकता था, ये एलिमेंट्स ने यहाँ पर इस ऑप्शन पे जो चीज दिखानी है वो उसका जो डायरेक्ट पेरेंट है उसकी कंटेनर लेआउट के ऑप्शन की और दिखाना है। जो भी ये कंटेनर लेआउट ऑप्शन पेरेंट का सेट होगा, चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर पेरेंट कंटेनर टाइप में उस ऑप्शन को शो करेगा। बाकी यहाँ पर जो ये लेआउट टाइप्स हैं ये बेसिकली हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं फिक्स्ड, अलाइन टू पेरेंट, रो और कॉलम, ये काफी डिटेल में स्टडी करने वाले ऑप्शंस हैं, इसलिए इनको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं वापस आ जाता हूँ इसी कंपोनेंट पे। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जो कि डिपेंडेंट है पेरेंट टाइप पे, मीन अगर मैं यहाँ पर ग्रुप में आके इस चीज को चेंज कर देता हूँ रो में और वापस आता हूँ इस बटन पे, तो आप देख सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जगह ये वर्टिकल अलाइनमेंट कह रहा है। वंस अगेन अगर मैं पेरेंट में वापस आके इसको चेंज करता हूँ अलाइन टू पेरेंट और वापस आता हूँ बटन पर, तो आप देख सकते हैं कि उसकी अलाइनमेंट का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया और इस दफा वो पोजिशंस को स्पेसिफाई कर रहा है। लास्टली अगर मैं पेरेंट में आके उसको फिक्स्ड कर देता हूँ और वापस बटन पे आता हूँ तो इस दफा अलाइनमेंट का ऑप्शन पूरी तरह गायब हो गया। इसलिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और पोजीशन अलाइनमेंट को हम पर्सनली एक नाम दे देंगे, एलिमेंट या करंट एलिमेंट अलाइनमेंट। इस ऑप्शन को हम स्टडी करेंगे। एलिमेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस को स्टडी करने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले ग्रुप पे क्लिक करूंगा और
फिक्स लेआउट में मैंने आपको दिखाया कि फिक्स लेआउट में जो चाइल्ड्स होते हैं उनको कोई भी अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चाइल्ड को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जब उसको वहां से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ा है तो ये ग्रुप में से निकल आया है, ग्रुप में से बाहर आ गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप पे क्लिक करूंगा और उसकी मिनिमम हाइट को इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं है, डायरेक्ट हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर 1000 कह दूंगा। और ये आपको इजीली नजर आया तो मैं अपेयरेंस में जाकर इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर फ्लैट कलर, और फ्लैट कलर को मैं ये सेट कर दूंगा ताकि हमें एटलीस्ट ये ग्रुप इजीली नजर आ रहा हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज का जो कलर है बैकग्राउंड वो व्हाइट है। और अगर आप चाहें तो आप पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ और सेट कर सकते हैं। आप रेड हो गया तो आपको काफी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं इस बटन को वापस इस ग्रुप में मूव करूंगा। ये बटन ग्रुप में मूव हो गया। अब मैं इस बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस पूरे ग्रुप में कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। और ये बेसिकली फिक्स्ड लेआउट की वजह से हो रहा है। मैंने पे जो ग्रुप है उसको फिक्स लेआउट पे सेट किया था। इसका मतलब ये है कि मैं इस बटन की कोई भी पोजीशन यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। अगर आपको इस तरह का एंड रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप उसको इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्विकली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और पोजिशन एलिमेंट अलाइनमेंट को यूज करके दिखा दूंगा। मैं यहाँ पर ग्रुप में आऊंगा और इसे चेंज करूंगा अलाइन टू पेरेंट। जब हम इसे सेट करते हैं तो जो चाइल्ड्स होते हैं उन पे हमें पोजीशन अलाइनमेंट मिलती है, और ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो एलिमेंट होगा अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेट हो जाएगा, ये सेंटर सेंटर पे सेट हो जाएगा, और ये बॉटम राइट पे। इसी तरह बाकी जो एरोज हैं वो भी एलिमेंट को जो कॉर्नर्स हैं और जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक जो डिफाइंड पोजीशंस हैं सिर्फ यहीं पे सेट कर सकते हैं। हम इसे ड्रैग करके ऐसे किसी रैंडम पोजीशन पे नहीं रख सकते, वो अपनी नियरेस्ट पोजीशन के पास ऑटोमेटिकली स्नैप कर जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहां से मैं रो पे आऊंगा और ये मुझे बेसिकली चाइल्ड्स पे वर्टिकल अलाइनमेंट देगा। रो में चाइल्ड को वर्टिकल अलाइनमेंट मिलती है। यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये टॉप पे, अगर मैं इस एलिमेंट को क्लिक करके टॉप पे क्लिक करूंगा, ये इस वजह से यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो वहां पे अवेलेबल है, और बाकी जो रो की सेटिंग्स हैं उनकी वजह से ये एलिमेंट्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी के लिए मैं अगर इसे सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी पोजिशन चेंज हुई है। बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ये टेक्स्ट है ये बेसिकली टॉप पे सेट है और ये बॉटम पे सेट है। अगर मैं इसे सेंटर में सेट करता हूं तो ये यहां पर आ जाता है। इसे मैं टॉप पे ही वापस सेट कर देता हूं। इसे भी अगर मैं टॉप पे सेट करता हूं तो ये बेसिकली वंस अगेन रो की इंडिविजुअल सेटिंग की वजह से ये बीच में जो स्पेस आ रही है वो आ रही है। बाकी ये एलिमेंट जितनी ऊपर से इस एलिमेंट ने स्पेस लिया उसके बाद ये एलिमेंट अपनी स्पेस ले रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखते हैं। मैं जो ग्रुप है उसकी कंटेनर लेआउट टाइप को कॉलम पे सेट कर दूंगा, और अब की बार मैं यहाँ पर बटन पे आके क्लिक करूंगा और मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया। ये अभी लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर के साथ अटैच है। मैं इसे सेंटर में कर सकता हूँ और मैं इसे राइट कॉर्नर के साथ अटैच कर सकता हूँ। ये तीन ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ये थे एलिमेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट, अब हम स्टडी करेंगे ये जो हमारे पास प्रीवियस, नेक्स्ट और बाकी जो अरेंजमेंट ऑप्शंस हैं इनको हम स्टडी करेंगे। इनको हम नाम दे देंगे एलिमेंट अरेंजमेंट ऑप्शन। एलिमेंट अरेंजमेंट ऑप्शंस बेसिकली आपके पास, हमने इस चीज को पहले भी स्टडी किया हुआ है। करंटली इस ग्रुप की जो कंटेनर लेआउट है वो कॉलम है। कॉलम का मतलब है टॉप से बॉटम। इसमें जो चाइल्ड ऐड होंगे वो पहला चाइल्ड आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, और हॉरिजॉन्टली वो फुल विड्थ रहेंगे अंटिल अनलेस के हम उनको स्पेसिफाई कर दें कम विड्थ लेने पे। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहां से अगर इसे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर शिफ्ट हो गया। ये मैंने इसे अरेंज किया। यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के अलावा हमारे पास ये जो अरेंजमेंट ऑप्शंस हैं ये भी सेम ही काम करेंगे। अगर मैं इस
बटन को मैंने सेलेक्ट किया है, और इसके बाद एक और एलिमेंट है यहाँ पे, मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट और मेक लास्ट का जो ऑप्शन है वो अनेबल्ड है। मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एलिमेंट एक चाइल्ड नेक्स्ट, बेसिकली अपनी पोजीशन जो होगी उसको नेक्स्ट चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर देगा, और नेक्स्ट चाइल्ड इस पोजीशन पे, इस एलिमेंट की पोजीशन पे आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट पे नेक्स्ट का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर और कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक और आइकॉन या कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा और वापस इस बटन पे आता हूं, तो आप देख सकते हैं लेआउट में कि इसके पास प्रीवियस का भी ऑप्शन है, क्योंकि इस बटन से पहले भी एक चाइल्ड है, और इसके पास नेक्स्ट का भी ऑप्शन है क्योंकि इस बटन के बाद भी एक चाइल्ड है। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा इस बटन को तो नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट अब इस बटन के बाद कोई और एलिमेंट इस ग्रुप में नहीं ऐड, इससे पहले ऐड है, इस वजह से प्रीवियस और मेक लास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो ये एक स्टेप मूव करेगा। मैं वापस नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं मेक फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जितने भी एलिमेंट्स इससे पहले होंगे ये सबको स्किप करके, सबकी पोजीशन एक एक डाउन करके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा एलिमेंट ट्री में। ये हमारे पास एलिमेंट अरेंजमेंट ऑप्शंस है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन। मेक दिस एलिमेंट फिक्स विड्थ, इसका मतलब यह है कि यहां पर आप जो भी विड्थ डिफाइन करेंगे ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उतनी विड्थ लेगा, और उतनी ही विड्थ लेगा। मीन ये रिस्पॉन्सिवनेस में भी जाके, अगर मैं यहां पर इस एलिमेंट को कह देता हूं कि ये 800 पिक्सल और कुछ विड्थ ले, और रिस्पॉन्सिवनेस में मैं स्केल को स्केल डाउन करता हूं, तो ये इस चीज को माइंड नहीं करेगा कि पेज में कितनी विड्थ अवेलेबल है। मैंने क्योंकि इसे कहा है कि आपने 891 पिक्सल विड्थ लेनी है, तो ये 891 पिक्सल पे ही रहेगा, और बाकी जो, क्योंकि अभी पेज का जो साइज है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना है, यहां से लेके यहां तक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 320 पिक्सल पेज का साइज है, और बाकी ये सारा जो कंटेंट है ये ओवरफ्लो कर रहा है। मैं अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ जब तक ये रीलोड हो रहा है, ये पेज है, यहाँ पर ये पेज की लेआउट आ रही है। इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ बॉटम पे, ये डीबगर को डिसेबल कर देता हूँ, ये रिफ्रेश होगा एक दफा, इसे रिफ्रेश होने देते हैं। और लास्टली जब रिफ्रेश हो गया है, मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पर ये जो फोन और डेस्कटॉप का एलिमेंट है ये बेसिकली इसे रिस्पॉन्सिवनेस में ले जाता है, और यहाँ पर अब मैं इसे स्केल डाउन करूंगा, और उसकी वजह से ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है पेज में जितनी विड्थ अवेलेबल है उससे ज्यादा विड्थ ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको अनचेक कर देता हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट ने फुल विड्थ ऑलमोस्ट ले ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ विड्थ का, जब मैं इसको चेक करता हूँ तो सिर्फ विड्थ का ऑप्शन होता है, अनचेक करता हूँ तो मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का ऑप्शन है कि मिनिमम ये कितनी विड्थ ले और मैक्सिमम कितनी विड्थ ले सकता है। मैक्सिमम विड्थ क्योंकि इन्फिनिटी है, इस वजह से ये फुल अपने पेरेंट की जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उस सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर कह देता हूँ कि मैक्सिमम सिर्फ 300 पिक्सल आपने विड्थ लेनी है, तो आप देखेंगे कि बेसिकली क्योंकि मिन विड्थ, और यहाँ पे ये बबल डॉट आयो में चेक नहीं लगा हुआ, तो ये चीज आपको खुद चेक करनी पड़ेगी कि मिन विड्थ मैक्स विड्थ से कम होनी चाहिए। अभी मैंने कह दिया मिन विड्थ 891 पिक्सल हो और मैक्स विड्थ 300 पिक्सल हो, इस वजह से वो मिन विड्थ को पहले कंसिडर कर रहा है और यहाँ पर 891 पिक्सल पे अटक गया है। यहाँ पे मैं 100 पिक्सल कह दूंगा। मैंने यहाँ पे मिन विड्थ को 100 पिक्सल सेट कर दिया और मैक्स विड्थ को 300 पिक्सल सेट कर दिया। इस चीज को प्रॉपरली टेक इफेक्ट करने के लिए मुझे ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसे भी फिक्स विड्थ से अनचेक करके जो मेन विड्थ है मैं इसकी 200 पिक्सल कर दूंगा, और मैक्स विड्थ इन्फिनिटी जितनी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी हमें अब पेज में विड्थ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट साइज और डिसाइज हो रहे हैं। वंस अगेन हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस का कंप्लीट सेक्शन आएगा, हम इसको फिर से स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोल है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोल नहीं है, और ये बेसिकली मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और एक दफा इसको देखता हूँ कि किस एलिमेंट की वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आया।
ये बेसिकली इस टेक्स्ट एलिमेंट की वजह से आया, ये भी फिक्स विड्थ है, इसको फिक्स विड्थ से मैं हटा दूंगा और इसे भी 100 पिक्सल कह दूंगा। इसी के साथ मैं इसे बेसिकली प्रीव्यू करूंगा, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल खत्म हो गया है, और पहले जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा था उसकी वजह ये टेक्स्ट एलिमेंट था, उसकी जो वे थी वो फिक्स थी। इससे एक चीज हमें समझ लगी कि हमने अपने एलिमेंट्स को फिक्स्ड विड्थ असाइन नहीं करनी, फिक्स्ड विड्थ असाइन करेंगे उससे हमें रिस्पॉन्सिवनेस में जाके काफी मसले आएंगे। और यहाँ पे अब मैं अगर इसे स्केल डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये प्रॉपरली अपने आप को रिसाइज कर रहा है और यहाँ पर उसको एडजस्ट भी कर रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन था फिक्स विड्थ का, और इसी के साथ हमने मेन विड्थ, मैक्स विड्थ और विड्थ के ऑप्शन को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिट विड्थ टू कंटेंट ऑप्शन को। ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जब आप एलिमेंट्स को उतनी ही विड्थ असाइन करना चाह रहे हैं जितनी उनके कंटेंट को रिक्वायर है। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जब आप एलिमेंट्स को उतनी ही विड्थ असाइन करना चाह रहे हैं जितना कि उनमें कंटेंट टाइप किया गया है। मैं यहां से बटन को एक दफा फिर सिलेक्ट करूंगा कंफर्म करने के लिए कि मैं बटन पे ही हूं, और इसे चेक करूंगा तो आप यहां पे देखिएगा अभी करंटली इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल पे सेट है, क्योंकि इसके पास 300 पिक्सल से ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा, ये इन ऑप्शंस को बेसिकली इग्नोर कर देगा। इग्नोर इस सेंस में कि यहां पर टैक्स अगर कम है, अगर मैं यहां पर टैक्स को और लिखता जाऊंगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, और जैसे ही टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो वो टैक्स सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। मीन ये इन ऑप्शंस को माइंड करेगा, जब टैक्स उस लेंथ से ज्यादा हो जाएगा फिर वो उस टेक्स्ट को रैप करके सेकेंड लाइन पे ले आएगा। लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट यहां पे कम लिखा हुआ है फिर ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी के, तो फिर ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी इसके टेक्स्ट को असाइन है और मिन विड्थ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर मैं मिन विड्थ को 200 पिक्सल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मिन विड्थ जितनी रिक्वायर्ड की गई है उतनी विड्थ लेने के बाद ये कंटेंट की विड्थ पे डिफॉल्ट फॉल बैक कर रहा है, और कंटेंट की विड्थ मैक्सिमम उस लेवल तक जा सकती है जितनी के मैंने मैक्स विड्थ डिफाइन की है। ये तीन ऑप्शन इस तरह इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फिक्स्ड हाइट और उसके रिलेटिवली हाइट और मिन हाइट मैक्स हाइट ऑप्शंस को। अगर किसी भी वजह से हमें कोई एक एलिमेंट है जिसको फिक्स्ड हाइट रखनी है उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इसे चेक करेंगे और जितनी हाइट हम उस एलिमेंट को असाइन करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं इसको 40 पिक्सल असाइन करना चाह रहा हूँ, उतनी हाइट में यहां पर एंटर करके बाहर क्लिक करूंगा और ये एलिमेंट उस हाइट में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। मैं यहाँ पे फिर एक दफा क्लिक करूंगा, इसको 10 पिक्सल पे सेट करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कट ऑफ हो गया है। इस वजह से मैं ये ऑप्शन आपको लीस्ट रिकमेंड करूंगा, बहुत स्पेसिफिक कोई सिनेरियो होगा जिसमें हमें ये ऑप्शन की जरूरत होगी, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को यूज नहीं किया करेंगे। मैं इसको अनचेक कर लूंगा और मेरे पास यहाँ पे मिन और मैक्स हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेनिफिट है वो ये है, मैं यहाँ पर अगर मिन हाइट को 0 पिक्सल और मैक्स हाइट को इन्फिनिटी पे सेट कर देता हूँ तो ये एलिमेंट बहुत ही अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा अपनी हाइट को बेस्ड ऑन के इसमें कितना कंटेंट ऐड किया गया है। मैं इसे अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और दूसरे टैब में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी हाइट है वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो रही है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं मैक्स हाइट को बेसिकली 30 पिक्सल कह देता हूँ, वंस अगेन जो कंटेंट होगा वो कट ऑफ हो जाएगा और ये इस चीज को माइंड करेगा कि इसको मैक्सिमम कितनी हाइट डिफाइन की गई है। इस वजह से आप इसको इन्फिनिटी पे ही रहने दें ताकि उस तरफ से ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिट हाइट टू कंटेंट ऑप्शन को। हमारे पास जैसे ये फिट विड्थ टू कंटेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या करता है कि जितनी बेसिकली इसमें कंटेंट है मिन और मैक्स विड्थ को मद्देनजर रखने के बाद जितना कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी एलिमेंट की विड्थ को एडजस्ट कर लेता है, उसी तरह फिट हाइट टू कंटेंट है। ये सबसे पहले मिन हाइट और मैक्स हाइट के ऑप्शन को देखेगा और उसके बाद
जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट की हाइट को एडजस्ट कर देगा। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैक्स हाइट इंफिनिटी थी, इस एलिमेंट ने जितनी इसके पेरेंट को हाइट अवेलेबल थी वो सारी यहाँ पे अचीव कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ी सी हाइट नीचे रह गई है ये इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की है, इस वजह से ये नीचे नहीं आ गया। मैं इस ऑप्शन को वापस चेक कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि ये जितनी हाइट इसको रिक्वायर्ड है कंटेंट की वजह से उतनी हाइट ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मार्जिन्स के ऑप्शन को। बबल डॉट आईओ में आप जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये एलिमेंट अपने पेरेंट से या पेज से, जो भी इसका पेरेंट है, उसके एजेस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट अभी राइट एज और टॉप एज के साथ अटैच है। आप अगर चाहते हैं कि ये टॉप से 50 पिक्सल डाउन आ जाए और राइट से 60 पिक्सल लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाए, वहां पे व्हाइट स्पेस नजर आ रही हो, तो ये चीज आप मार्जिन्स को यूज करते हुए अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा और जैसे मैंने कहा कि मैं टॉप से 50 पिक्सल डाउन करना चाहता हूँ इसको, मैं यहाँ पर 5 और 0 पहले ये अटैच है, 50 यहाँ पे ऐड करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये 50 पिक्सल अपने पेरेंट जो कंटेनर है 50 पिक्सल ऊपर स्पेस इसने ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट राइट पे हम चाहते हैं कि इसको बेसिकली नेक्स्ट राइट एज के साथ मैं चाहता हूं कि ये 60 पिक्सल का मार्जिन अचीव करे। मैं यहां पर राइट साइड का जो बॉक्स है उसमें 60 पिक्सल एंटर कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि उसने 60 पिक्सल यहां पर भी मार्जिन ऐड कर दिया है। नेक्स्ट चीज को स्टडी करने के लिए मैं सबसे पहले इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, इसे प्रीवियस पोजिशन पे शिफ्ट करूंगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को राइट बॉर्डर सेट कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के दरमियान 80 पिक्सल का मार्जिन हो। इसको हम दो तरीकों के साथ अचीव कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इस एलिमेंट को बॉटम 80 पिक्सल मार्जिन दे दें। दूसरा तरीका कार हमारे पास ये है कि हम इस एलिमेंट को टॉप 80 पिक्सल मार्जिन दे दें। और एक तरीका कार और है कि मैं इस एलिमेंट को कोई भी एक परसेंटेज बॉटम मार्जिन दूं और इस एलिमेंट को जितनी परसेंटेज रह जाए उतना टॉप मार्जिन दे दूं। लेट्स से 50-50 देता हूं तो इसे 40% बॉटम मार्जिन दे दूंगा, इसे 40 पिक्सल टॉप मार्जिन दे दूंगा। मैं यहां पर एक फर्स्ट वे के साथ कंटिन्यू करूंगा और इस एलिमेंट को बॉटम 80 पिक्सल मार्जिन असाइन कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि वो जो डिजायर्ड एंड रिजल्ट है वो आ गया। मैं इसे क्लोज करूंगा। ये था हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन और इसी तरह आपने गैस कर लिया होगा कि हम लेफ्ट मार्जिन भी इसको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पैडिंग ऑप्शन को और ये देखेंगे कि पैडिंग का जो ऑप्शन है वो मार्जिन के ऑप्शन से डिफरेंट कैसे है। वंस अगेन मैं इस बटन की प्रॉपर्टी टैब्स को ओपन कर लूंगा और इसे यहां पर ड्रैग कर लूंगा और लेआउट टैब में आने के बाद मैं इसे कुछ पैडिंग असाइन करूंगा। राइट नाउ आप देख सकते हैं कि इसे टॉप और बॉटम 8 पिक्सल पैडिंग लगी हुई है और लेफ्ट टू राइट 16 पिक्सल पैडिंग लगी हुई है। मैं सबसे पहले आपको पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस बता देता हूं। मार्जिन जो होता है वो एलिमेंट के आउटसाइड स्पेस को कहते हैं कि एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसका पेरेंट या नेस्टेड जो सिबलिंग एलिमेंट है उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं। इस एलिमेंट, ये एलिमेंट अपने इर्द गिर्द जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो मार्जिन के थ्रू करेगा और ये एलिमेंट अपने कंटेंट के, अपने कंटेंट, ये इसका कंटेंट है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बॉर्डर के अंदर रहते हुए। हमारे पास एक एलिमेंट में 3 से 4 चीजें होती है, सबसे पहले मार्जिन, फिर उसका बॉर्डर, फिर उसकी पैडिंग और फिर उसका कंटेंट। और ये सारी चीजें बेसिकली ये CSS से आ रही हैं जो कि मैंने Zions के YouTube चैनल पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ ओपन करके, आप Zions के YouTube चैनल पे आ जाएं और यहाँ से बेसिकली आप वीडियोस में आने के बाद और चैनल पर आने के बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करें, सर्च आइकॉन पे, और यहाँ पे बॉक्स मॉडल लिखकर सर्च करें, आपके पास पहली ही वीडियोज में आ जाएंगी जिसमें कि मैंने पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ है बॉक्स मॉडल के रिलेटिवली। यहाँ पे आप क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ पर आप इन वीडियोस को देख के CSS बॉक्स मॉडल को डिटेल में समझ सकते हैं कि CSS का बॉक्स मॉडल किस तरह काम करता है। वंस अगेन CSS के बॉक्स मॉडल में 4 चीजें होती हैं, मार्जिन,
जो कि एलिमेंट के इर्द गिर्द स्पेस होती है, बॉर्डर जो कि एलिमेंट का बॉर्डर होता है, जो स्ट्रोक होती है उसकी, पैडिंग जो कि एलिमेंट की स्ट्रोक बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बाहर की स्पेस को कहते हैं इन बिटवीन स्पेस, लास्ट कंटेंट जो कि टेक्स्ट हमने लिखा होता है या जो भी चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। मैं यहां पे जाता हूं कि इसकी जो कंटेंट है उसके गिर्द टॉप पे 50 पिक्सल पैडिंग ऐड हो जाए, राइट और लेफ्ट पे 40 पिक्सल और बॉटम पर 20 पिक्सल पैडिंग ऐड हो जाए। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टॉप पे हमें 50 पिक्सल चाहिए, बॉटम पर 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 40। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसने कंटेंट को भी एडजस्ट कर दिया है क्योंकि हमने मैक्स विड्थ इसको 300 पिक्सल दी हुई है, तो ये इस चीज को कंसिडरेशन ले रहा है और उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को एडजस्ट करता जा रहा है। मैं अगर यहां पर इसे 200 कह दूंगा तो आप देखेंगे कि क्योंकि राइट साइड पे 200 पिक्सल पैडिंग है, यहाँ पे कंटेंट नहीं आ सकता, पैडिंग में कंटेंट नहीं आ सकता। इस वजह से जो कंटेंट है वो रिमेनिंग स्पेस में एडजस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 300 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ तो फिर क्या होगा, क्योंकि 300 पिक्सल हमारी जो टोटल विड्थ है वो है। तो अब क्या हुआ है कि बेसिकली इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो इतनी है। सबसे पहले ये एलिमेंट 40 पिक्सल अपनी विड्थ से ओवरफ्लो कर रहा है, उसका मतलब है कि ये अपनी विड्थ से बाहर आ रहा है और बाकी जो कंटेंट है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में, उसको कोई स्पेस नहीं मिली, वो बस एक स्ट्रेट लाइन में एडजस्ट हो गया। जहां जहां पे उसको लाइन ब्रेक आता गया वो वहां वहां पे दूसरी लाइन में शिफ्ट होता गया। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए एस के दरमियान एक लाइन स्पेस ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ अभी स्पेस को एज अ लाइन ब्रेक कंसिडर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट कंटेंट लिख दूंगा तो आप देखेंगे कि वो एक सारा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। मीन ये टेक्स्ट भी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि इसको कोई स्पेस नहीं है अवेलेबल। और जो मैं 40 पिक्सल की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को रिवर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसे ओके, टेक्स्ट रिवर्ट हो गया थोड़ा सा मुझे ओके, यहाँ पे हम वापस आ गए। ये 40 पिक्सल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड लाइन के बाद जो 40 पिक्सल है वो अगर मैं यहाँ से खत्म करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अब ऑलमोस्ट यहाँ पर एडजस्ट हो गया और ये 16 पिक्सल पे वापस आ गया। मैं इसको 0 कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं कि ये एटलीस्ट अपनी जो विड्थ है उसमें एडजस्ट हो गया। 300 पिक्सल की जो राइट पैडिंग है उसने 300 पिक्सल की विड्थ को कवर कर लिया है और टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस की वजह से लाइन ब्रेक आ रहा है उसकी वजह से इस तरह हो गया। हाइट, क्योंकि हमने कहा हुआ था कंटेंट फिट टू हाइट करना है, इस वजह से जितना कंटेंट था उसके अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्ट होगी। अगर मैं उसे कट ऑफ कर दूंगा तो वो फुल विड्थ ले ले फुल हाइट ले लेगा। और अगर मैं यहाँ पे हाइट को भी मेंशन कर दूंगा तो फिर आप देखेंगे कि जो बाकी टेक्स्ट होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं बेसिकली, जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये चीजें आती जाएंगी। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसी के साथ हमने अपने लेआउट टैब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उनको स्टडी कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पेरेंट्स टैब की वीडियो में, कि ये ऑप्शंस जो हैं ये एलिमेंट बेस पे चेंज होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें अगर जिसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर लेआउट टैब में कोई एक ऑप्शन, कोई एक न्यू ऑप्शन ऐड हो सकता है या फिर काफी ज्यादा ऑप्शन रिमूव भी हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ में कंपोनेंट एडिटर में लेआउट टैब को डिटेल में स्टडी किया, उसमें जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे उनको डिटेल में स्टडी किया। वीडियो के रिलेटेड, लेआउट टैब के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.